अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। आपको दिखाई दिया कुछ? नहीं, देखिए एक्चुअल आप हमारी हम जहां से प्रोडक्ट हुए, हम जिस पार्टी से जुड़े रहे, हमको सारे चीज़ें मालूम थे। आज वो मौकूफ आ गया है मस्जिद में, जब हैदराबाद दखन के ऊपर रजाकार पीरियड ख़त्म होने के बाद, निज़ाम की स्टेज ख़त्म होने के बाद मुसलमानों के साथ जो सलूक करते थे कि किसी को लाइट नहीं देते थे, सालारे मोहतरम बोलते थे कि ना तख्त नहीं देते थे, आज वही मौकूफ के ऊपर मंजिल से इफ्तादुल मुस्लिमीन आ गई। उस ज़माने में जिस लोगों ने किया, अल्लाह ने उनको देख लिया, समझे आप, अल्लाह ने उनको उस मुकाम तक पहुंचा दिया। आज यही किसी की लाइट बंद कर दे रहे, किसी को बोलने नहीं दे रहे, किसी को अली मस्खती को एना पे आ रहे, तो औरतों को बेचारी हमारी माँ बहनों को बुरखा पहना के एना पे बाहर भेज रहे रोकने के वास्ते, मेरे को रोकने के वास्ते। ये जमहूरियत फंडामेंटल राइट के बात का ना कोई करता है कि हमको फ्रीडम स्पीच देने की आज़ादी है, लोगों से फ्री बोलने की आज़ादी है, सब चीज़ है, तो आज अली मस्खती को रोकने की क्या ज़रूरत है? क्या इतना खौफ आ गया कि ना पे अली मस्खती को रोकने की? और एक चीज़, आप जो कांग्रेस हुकूमत में आने के इंतखाब में अगर आप सीट अगर पा लिया आपको, तो इसमें क्या डेवलप करना चाह रहे हैं, बस्ती में क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहेंगे? पहले तो वो दो दीवानों को ज़रा एक पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ। अरे वो दो दीवाने, मुझे पहचानो, कहाँ से आया था, कहाँ तक लेके जाऊँगा तुम्हारे को। और एक बात बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात जो है, कांग्रेस पार्टी या तेलुगु देशम के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब रहे तो पॉलिसी मेकर हैं, कभी भी आवाम के बीच में डेवलपमेंट का काम किए हैं। चंद्रबाबू नायडू की तारीख ऐसी है कि हैदराबाद को ग्रेटर हैदराबाद बनाना, हैदराबाद के अंदर आईटी का प्रमोट करना, इन तमाम चीज़ों को रोडें बड़ी करना, ब्रिजेस बड़ी करना, तमाम चीज़ कांग्रेस के इतिहास में देखेंगे, एक नीचे की सतह का आदमी 2004 से लेके आज उसके पास पैसा नहीं रहता था, 4-4 लाख रुपए इलाज करने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं रहते थे, एक छोटे आदमी ने भी फ्री ऑपरेशन कराया। यह है कांग्रेस की तारीख। 2 रुपये किलो चावल 84 के अंदर चंद्रा NTR साहब ने दिया, हुकूमत लाया, मगर कांग्रेस ने अपने 2004 के पीरियड से लेके 2010 तक 1 रुपया किलो चावल दिया। कमिटमेंट अच्छी है, मोहल्ला क्लिनिक देने की बात कर रहे हैं, अली भाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि ना भाई एक MLA ने हम दो मतलब मेरा काम इन्होंने देखेंगे, मैं इनका बाजा बजाने कैसे रखेंगे, मेरे को मतलब मेरा फुल बैंड बजाऊंगा। और एक चीज़ जैसा कि आप दौरा कर रहे हैं, दौरे के दरमियान में आपको सारे रोडों पे गलीजात पाई जा रही है, उसके ताल्लुक से क्या बोलना चाहिए? क्या बोल रहे हैं आप? जैसा कि आप दौरा कर रहे हैं, दौरे के दरमियान में आपको गलीजात पाई जा रही है रोडों पे, उस ताल्लुक से क्या बोलें? सब यही तो है ना, आज जो है असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी जिस कैंडिडेट को चार मीनार को भेजे हैं, और यहाँ के वो कोसा जिन बोल रहे हैं उनको बोतल का जिनको वहाँ भेजे हैं, दोनों की यहाँ पर भी उसके साथ नाराजगियाँ थी पाशा के साथ, और वहाँ का भी मतलब ना भाई वहाँ के एरिया के MLA की नाराजगी थी। अब दोनों को चेंज करके उन्हें ये बताना चाह रहे थे कि दोनों का आना भाई, मगर जब रास्ते से चल रहे, आप भी आ रहे उधर से देख रहे, देनीज भर रही है, तमाम चीज़ भरी है, देनी तमाम चीज़ भरते रहती, बात ये नहीं, एक मजबूत तरीके से 50 साल आपके हाथ में इख्तदार अगर है, तो एक मजबूत तरीके की एक वेल प्लानिंग सिटी बनना चाहिए था। पुराना शहर के अंदर भी हमारे बच्चों को भी पढ़ने की आज़ादी है, हमारे बच्चे गरीब बच्चे AC स्कूल में पढ़ने की आज़ादी होना चाहिए, हमारे बच्चे भी मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने की आज़ादी होना चाहिए, हमारे हर दुकानदार को यहाँ पर टूरिज्म, हर जगह पर टूरिज्म आशुरखाने हैं, तमाम चीज़ें हैं ना यहाँ पर, तो लोगों को बताने के लिए अच्छी सड़कें, पार्किंग, प्लांटेशन, तमाम चीज़ होना चाहिए, फ्री पोल्यूटेड शहर बनाना चाहिए। इसलिए कि यहाँ की आबो हवा जो है, दखन की जो आबो हवा है, खासतौर हैदराबाद की जो आबो है, उसको अच्छे से साफ सुथरे कैसा मेंटेन करने के वो करना चाहिए। और एक बात, कांग्रेस का जो कमिटमेंट है 6 सिलेंडर फ्री देने का, हम पब्लिक के बीच में ये ले आके बता रहे हैं, और उनकी नाकामियाँ ही बता रहे हैं, कौन किसने रोका था, चार मीनार स्पेशल जोन बनाने के लिए 25 साल का वक्त लगा, किसने रोका पार्किंग बिल्डिंग 4 साल होगा KTR ने संगे बुनियाद रखे, किसने रोका आप बता दीजिए, चौक महबूब चौक मार्केट को किसने रोका, आज 25 साल से डिलेबरेट कंडीशन के अंदर है। आप जो है एक हिमायत नगर में एक वालिद के मकान के साथ रहते थे, आप 4 साल में उनके वालिद मरने के 5 साल में इतने 2000-10000 करोड़ के मालिक हो गए, आप ज़मीन से उठ के आसमान तक पहुंच गए, क्या हमारी आवाम को ज़मीन से लेके एक फ्लोर तक पहुँचा है क्या, बता दीजिए मतलब है ना भाई।
अली भाई ने सही कहा था, 25 साल अगर कोई एमएलएशिप किया है, 25 साल में 25 आदमियों को नौकरी दिलाया क्या है, वो बात बता दीजिए, मतलब है ना अभी। तो ये बातें जो है आज जो पब्लिक के सामने रोना, स्टेजों पे ठहर के रोना, किसी के बच्चे के मर गए, बच्चा मर गया तो भी उसको भी इमोशनली, अभी मेरे को मालूम हुआ कि बा जराए से मालूम हुआ कि अकबरुद्दीन अवैसी की 3 तारीख या 4 तारीख को तबीयत ख़राब होने वाली है, उनको बड़े दवाखाने में रखेंगे और सारे लोगों को इमोशनली दुआएं कराएंगे, बकरे कटाएंगे, ब्लड डोनेशन कराएंगे, उनकी जान खतरे में शायद इमोशनल, ये कार्ड चलने वाला नहीं है, कमान तीर से निकल गया है। 25-7 तारीख के दिन आप देख लेंगे कि 11 के दिन जब नतीजे आएंगे तो अकबर साहब को खुद अपनी आँख खुल जाएंगे कि ना भाई ये बेबुनियाद, ये बेबातों की, बेमतलब की, बच्चों की तकरीर, लौंडे पने की, जोकरों की, मिल्लत के जलसे से ना भाई वैगरा की गोली बेचने की, ये तमाम चीज़ उस ज़माने में, अगले साल में कितना चेंजेस आ गया देखिए आप, अगले साल में इनके क्या पास क्या करे, बिन मिला मियान बिरयानी मस्कती सेट का पाया सब अच्छा पसंद आया, पाया पाया बल्कि खा लिए जाते हैं ना, एक भाई है ना वे तकरीर करके बोला, कितनी बेहूदे तरह की बात है, मिल्लत के इंतशार की बात कर रहे थे हम, इसलिए गए उनके घर में, घर को मिल्लत के इंतशार के लिए बल्कि गए, क्या मिल्लत का इंतशार चंदानगुट के असम्बली कॉन्सेंट्री के मोहम्मद फलान के घर में नहीं है, वहाँ तक नहीं जा सकते थे, आज मैं माफ़ कर दिया, मिल्लत का इंतशार ख़त्म कर दो बल्कि, अरे वो जोकर ये बेमतलब की बातें करने से दम है तो आम में सामने ठहर के बात कर लेता हूँ। कुछ डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जैसा कांग्रेस आने के बाद में कितना डेवलपमेंट ओल्ड सिटी को कितना डेवलपमेंट किया जाएगा, अब अदा हो रही है एक छोटी जुमले के साथ, जैसा कि डेवलपमेंट के बारे में कुछ बात करेंगे अपन, कांग्रेस आने के बाद में कितना डेवलपमेंट ओल्ड सिटी में लाया जाएगा और हर गली गली में कितना साफ सफाई रखा जाएगा। साहब ये देखिए, पहली बात तो शहर हैदराबाद में डेवलपमेंट लाने की बात जो चल रही है, हमारा क्लियर वो है 4 साल तक फेज 2 मेट्रो ट्रेन के लिए इसी मीर चौक पुलिस स्टेशन से गिरफ्तारी दिया हूं, मैंने अरेस्ट कर लिया गया मुझे, मैं क्या बोल रहा हूं कि फेज 3 का फेज 4 का काम हो सकता है, अब तो फेज 2 का काम क्यों नहीं हो सकता पहले। तो एक चीज़ मैं जितने भी गिनाया हूं, जैसा कि लाड़बदार पेट्रोल डून के बारे में बोला, जिस दिन आएंगे उस दिन वो पेट्रोल डून खोल दिया जाएगा पब्लिक के लिए, एक चीज़ उसकी सही तरीके की तरतीब करके एक रोड छोटी मोटर गाड़ियों के लिए छेड़ेंगे, खाली ओनली फॉर डेवलपमेंट रोड, तमाम चीज़ों का एक डेवलपमेंट होने से डेवलप नहीं होता है, मतलब चौतरफा डेवलप होना चाहिए, अपना बिजनेस को भी मतलब है ना भाई एक तरीके से डेवलप करना, हॉकर्स को भी सही तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, और फिर तुम्हारे मतलब चारमीनार में जो टूरिस्ट आ रहे उन तमाम का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तो जब कहेंगे डेवलप होता है, अगर आप खाली सिटी आप रोड अच्छे डालने से तमाम चीज़ों से, और एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि रोड्स और आपके मेट्रो ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही हो, पार्किंग हो, फुटपाथ हो, इन तमाम चीज़ों का अल्लाह चाहे तो हम सबसे पहला प्रायोरिटी के अंदर हेल्थ एजुकेशन रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टूरिस्ट का इकोनॉमिकली कैसा बढ़ना चाहिए। हम मखदूम्स बिग मॉल, एक ऐसी जगह जहां दूल्हा दुल्हन बाराती बच्चे और सारे परिवार के लिए शेरवानी, खड़ा दुपट्टा, कुर्ता पैजामा, शरारा सूट, कोट सूट, डिजाइनर साड़ीज, शर्ट पैंट, लॉन्ग फ्रॉक एंड फिश कट सूट्स, लिफ्ट की सहूलत के साथ फुली एसी मॉल, मखदूम्स बिग मॉल, ऑपोजिट कमान मदीना बिल्डिंग, चार मीनार रोड, हैदराबाद।